ड्रोन से मिली फुटेज से पता चलता है कि सऊदी अरब का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट द लाइन बनना शुरू हो चुका है, जबकि इस प्रोजेक्ट पर किसी को भी भरोसा नहीं था कि ये शुरू भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये प्रोजेक्ट कल्पना के बाहर की बात है, ये और कुछ नहीं सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन अब जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू होता देख जानकार हैरान है, पर सवाल अब भी वही है, क्या ये प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा या अरबों डॉलर की गलती होगी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट को पहली बार सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जुलाई 2022 में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि 500 मीटर की दो एक साथ लाइन में बनी इमारत बनाएंगे जिन पर रिफ्लेक्टिव ग्लास की परत चढ़ी होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट लंबाई में 170 किलोमीटर का होगा। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर यहाँ कोई कार नहीं चलेगी और जो भी चीज़ चाहिए होगी वो 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी। यहाँ के लिए जो भी बिजली चाहिए होगी वो हवा से और सोलर पैनल से मिलेगी। यहाँ पानी के लिए भी एक अलग से कार्बन फ्री वाटर प्लांट लगाया जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट बताया गया तब सभी को लगा था कि ये प्रोजेक्ट केवल पेपर तक ही रह जाएगा, इसे कभी भी ज़मीनी हकीकत नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन 19 अक्टूबर 2022 को एक हैरान करने वाली खबर आई कि दी लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, जिसे इस वीडियो में देखा जा सकता है। पर यह काम इतनी तेज रफ्तार से आगे कैसे बढ़ रहा है, ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतनी प्रॉब्लम से भरा हुआ है कि पहले तो इसे सही तरीके से पेपर पर उतारना ही मुश्किल है। यहाँ कई ऐसे काम हैं जो पहली बार हो रहे हैं जिससे फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। द लाइन प्रोजेक्ट को लेकर जानकार समझ नहीं पा रहे हैं कि ये काम कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसका जो स्केल है उसे देखकर किसी को भी चक्कर आ सकते हैं। इस इमारत की ऊंचाई अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितनी होगी, जिसे बनाने में करीबन 8 साल लगे थे, और यहाँ 170 किलोमीटर की जगह में करीबन 1800 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने होंगे, यानी कि 3600 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने होंगे, क्योंकि दो एक साथ इमारतें बनेंगी। तो इस हिसाब से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने में 8 साल लगे, तो 3600 को बनाने में करीबन 29,000 साल लगेंगे। लेकिन आज हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो इस काम को तेज़ रफ्तार से कर सकती हैं, पर फिर भी हजारों साल लग सकते हैं, जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। असलियत में यह प्रोजेक्ट एक छोटे स्केल पर करने में ज़्यादा समझदारी है, जिससे प्रोजेक्ट में होने वाली गलतियों से सीखकर उसे सुधारा जा सके और समय के साथ प्रोजेक्ट को बेहतर बनाया जा सके। खासकर ये जगह लोगों के रहने लायक हो, क्योंकि ये जगह बनी ही लोगों के रहने के लिए है। अगर लोग ही नहीं रह सकेंगे तो ये पैसों की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।